नमस्कार, मैं चंद्रकांत कोटेचा आज आपके सामने फिर से एक नई बंदिश नया राग लेके हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे राग यमन की। तो एक यमन की बहुत ही प्रचलित, बहुत ही बढ़िया सी बंदिश, सखी एरी आली पिया बिनु, ये बंदिश नोटेशन के साथ मैं आपके सामने गाकर और बजाकर बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि अगर आप भी बजाना चाहें तो कैसे बजा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम राग यमन के बारे में कुछ जान लें। राग यमन जो कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ हुआ मुख्य राग है, इस राग में म यानी मध्यम तीव्र लगता है और बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। सारे स्वर इस राग में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि यह संपूर्ण जाति का राग है। ज़्यादातर इसकी शुरुआत मंत्र नी से शुरू होती है, जैसे कि सा नी रे ग म, इस तरह से, और आरोह में प का लोप करके म से सीधा ध पे जाया जाता है। नी रे ग म ध नी सा सा नि द प म ग रे सा, तो इस तरह से इसका आरोह है। जाति संपूर्ण है। इसका गाने का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद है। इस राग का आलाप एक और वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वक्त हम तीन ताल में निबद्ध मध्य लय की एक बंदिश सखी एरी आरी पिया बिन ये सीखने की कोशिश करेंगे। इसकी एक एक लाइन सीखना शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं पूरी बंदिश कैसे बजती है, कैसी लगती है। इसको हमने तीन ताल में 140 बीट्स पर मिनट की स्पीड में बजाया है और यह स्वर है काली पाँच यानी ए शार्प, कुछ लोग इसे बी फ्लैट भी कहते हैं। तो पहले सुनते हैं। देखते हैं इसकी वन बाय वन लाइन का नोटेशन क्या, कैसे होता है, कैसे गाते हैं। तो पहली लाइन है
सखी एरी आली पिया बिना, तो इसकी नोटेशन है सा पापनी परे सागरे मगर, पापनी परे सागरे मगर, सखी एरी आरी पिया बिना। पापनी परे सागरे मगर, पा ये सातवीं और आठवीं मात्रा है, फिर एरी आली वो नौवीं मात्रा से शुरू होता है, तो देखिए पापनी परे सा, अब ये गरे मगर, यहाँ पे सम है पिया बिना, गरे मगर पापनी परे सागरे मगर। ये नोटेशन में लिख के भी आपके साथ यहाँ स्क्रीन पे भी रख रहा हूँ, और इसकी पूरी नोटेशन का एक पेज लिख के यहाँ पे आपको इस बंदिश के साथ दे रहा हूँ, ताकि आप अगर चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकें और पूरी बंदिश बजाना सीख सकें। दूसरी लाइन है सखी कलना परत मोहे धरे पल छिन दीन, प प ग म ग प म ध प म प नी नी प प रे सा, प प ग म ग प म ध प म प नी नी प प रे सा। एक एक टुकड़ा देखिए सखी कलना परत मोहे सखी प प प प ग म ग प प प ग म ग प म ध प म प नी नी प प रे सा, प प ग म ग प म ध प म प नी नी प प रे सा। फिर मेन लाइन शुरू हो जाती है ए रे आली प प ग म ग प म ध प म प नी नी प प रे सा, ए रे आली नी प रे सा ग रे म ग सखी ए रे। वेरिएशन लेना हो तो सखी एरी आरी, प प पनी दनी पद प रे सा, सखी एरी आरी प प पनी दनी पद प रे सा ग रे म ग, प प ग म ग प म ध प म प नी नी प प रे सा, नी प रे सा ग रे म ग। अब इसका अंतरा नौवीं मात्रा से यानी खाली से शुरू होता है, जब से पिया पर देश गमन कीनो, जब से पिया पर प प सा 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 देश गमन कीनो, सा 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 निध नी प प
पूरी लाइन। जब से पिया पर देश गमन कीनो पप सा 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 निधनी पप रतिया कटत मोरी तारे गिन गिन सागर सनिधनी पप सा परे सा परे सा। ये कल्याण अंग का एक मुख्य स्वर समूह है परे सा, तो ये इसका यहाँ उपयोग हुआ है। देखिए सागर सनिधनी प सा परे सा रतिया कटत मोरी तारे गिन गिन सागर सनिधनी प सा परे सा। अंतरे की दूसरी लाइन पूरी करने के बाद तुरंत सखी से नहीं लेकिन एरी से शुरू करना है। एरी आरी नी परे सा, देखिए कैसे सागर सा निधनी प प सा परे सा नी परे सागर रतिया कटत मोरी तारे गिन गिन एरी आरी पिया बिना। तो इस तरह से ये पूरी बंदिश है। मैंने एक एक लाइन स्लोली समझाया है ताकि आप पूरी लाइन ताल के साथ सीख सके, बजा सके, गा सके। अब अगर आपको पूरा एक स्टेज प्रदर्शन करना है तो ये बंदिश के पहले आप 5-10-15 मिनट का यमन राग का आलाप कर लीजिए, जो कि मैं इसके साथ साथ दूसरे एक वीडियो में रख रहा हूँ। आलाप के बाद ये बंदिश पूरी बजा लीजिए और फिर बंदिश के बाद एक स्थाई बजा के स्थाई के कुछ आलाप और फिर उसके कुछ तान भी मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ, ताकि आप तान भी बजा के पूरा एक 15-20-30 मिनट का एक प्रस्तुति तैयार कर सकें। तो अभी इसकी तान करते हैं। इसकी तान नौवीं मात्रा से मुखड़ा शुरू करके सम से इसकी तान लेते हैं, 8 मात्रा की तान लेते हैं, ताकि सखी शब्द नहीं लेना है। एरी आली गाने के बाद तुरंत हम 8 मात्रा की तान लेते हैं। देखिए कैसे सखी, इसको साइड में रख दीजिए। एरी आली नीरे गरे गरे सा पम गरे गरे सा एरी आरी निरे गम पम गरे निरे गरे सा सा एरी आरी निरे गम पम धप नि धप म गरे सा एरी आरी निरे गरे गम गम पम गरे गरे सा एरी आरी। बजाने में और गाने में इस तरह से तान आती हैं। तो अभी इसको शॉर्टली स्लोली स्लोली कैसे करते हैं देखिए बताता हूँ मैं आपको। 5-10 ताने कराता हूँ, बाद में आप चाहे तो कहीं से लिखी लिखी मैं भी आपके सामने बहुत सारी रख दूंगा, आप चाहे तो उसकी कॉपी करके बजा सकते हैं, किसी बुक में भी आपको मिल जाएगी, आप खुद भी स्वयं भी बना सकते हैं। बहुत ईजी होती है 8-8 मात्रा की ताने, फिर चाहे तो आप 16 मात्रा की तान पूरी लाइन बजाने के बाद 16 मात्रा की तान भी बजा सकते हैं।
तो ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिए। पहली तान नी रे ग रे ग रे सा प म ग रे ग रे सा ए री आ री। दूसरी तान नी रे ग म प म ग रे नी रे ग रे सा सा ए री आ री। तीसरी तान नी रे ग म प म ध प नी ध प म ग रे सा ए री। फिर से आली नी रे ग म प म ध प नी ध प म ग रे सा ए री आरी। नी रे ग रे ग म ग म प म ग रे ग रे सा ए री आरी। नी रे ग रे ग म ग म प म ग रे सा सा ए री आरी। आगे देखते हैं। नी रे ग म प ध प म ग रे नी रे सा सा ए री आ री। नी रे ग म प ध प म ग रे नी रे सा सा ए री आ री। नी रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा ए री आ री। नी रे ग म ध नी सा रे सा नी ध प म ग रे सा ए री आ री। मदनी सारे सानी द प म ग रे सा ए री आ री। अब कुछ 16 मात्रा की ताने लेते हैं। पूरी लाइन गा लेने के बाद इसको 16 मात्रा खाली से शुरू करके नेक्स्ट खाली पर पूरी करनी है और फिर एरी से शुरू करनी है। यहाँ तक लेने के बाद सखी नहीं गाकर खाली से नौवीं मात्रा से ये तान उठाते हैं। नी रे ग म प म ग रे ग म ध नी सा नी ध प म ध नी रे ग रे सा नी ध प म ग रे सा नी सा। चार टुकड़े में याद रखिए। नी रे ग म प म ग रे ग म ध नी सा नी ध प म ध नी रे ग रे सा नी द प म ग रे सा नी सा। पूरी तान नी रे ग म प म ग रे ग म ध नी सा नी द प म ध नी रे ग रे सा नी द प म ग रे सा नी सा ए री आ री। तो इस तरह से पूरी तान गाते हैं। दूसरी तान म ध ग म ध नी म ध नी रे ग रे सा नी ध प म ध प म ग रे सा सा ए री आ री। स्लोली नी रे ग म रे ग म ध ग म ध नी म ध नी रे ग रे सा नी ध प म ध प म ग रे सा सा ए री आ री। तो इस तरह से आप 8 मात्रा की या 16 मात्रा की चाहे तो 32 मात्रा की बहुत सी ताने बना के इसके साथ बजा सकते हैं। आप चाहे तो 20-25-30 मिनट का एक अच्छी सी प्रस्तुति ये बंदिश के साथ आप तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं ये पूरी बंदिश शब्दों में कैसे गाते हैं। सखे एरी
सखे रे आरी पे बिना सखे करना परत मोहे दरे पल छे न दिन ए रे आरी पे बिना सखे रे जब से पिया पर देश गमन कीनो जब से पिया पर देश गमन कीनो रतिया कटत मोहे तारे गिन गिन एरी आरी पिया बिना सखी एरी सखे अरे आरी पिया बिना। देखते हैं इसमें तान भी कैसे ताल के साथ जाते हैं। सखे अरे आरी पिया बिना सखे अरे आरी मेरे घर घर सा पम घर घर सा एरी मदप निरप मगर सा एरी आरी निरे गरे गम गम प मगर गरे सा एरी आरी निरे गरे गम गम प मगर सा सा एरी आरी निरे गम पद प मगर निरे सा सा एरी आरी गमदनी सारे सानी दप मगर सा एरी आरी पिया बिना सखे एरी आरी पिया बिना। आपको ये ताने और ये बंदिश अच्छी लगी होगी, प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आप हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी है और आपको आगे क्या राग सीखना है वो भी हमें बताइए, ताकि हम आपको उसी राग की कुछ बंदिशें तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि और इस तरह के जो भी ट्यूटोरियल्स आएंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे देखा, सुना और सराहा। थैंक यू वेरी मच।